हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, आखिर क्यों लड़ाई झगड़े के बीच में बिग बॉस 16 के घर के अंदर अचानक से शिव ठाकरे को आ गई सिद्धार्थ शुक्ला की याद और भड़क गए सिद्धार्थ के फैंस शिव ठाकरे के ऊपर। जी हाँ, शिव ठाकरे और प्रियंका चार चौधरी की लड़ाई के बीच में जब शिव ठाकरे ने प्रियंका को कर दिया यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर, तो पूरे तरीके से सोशल मीडिया पर भड़क गए फैंस और लगातार शुरू हो गई शिव ठाकरे की ट्रोलिंग। कुछ लोग प्रियंका को गलत बता रहे हैं, तो वहीं शिव ठाकरे भी अब ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुके हैं। वेल, क्या है ये पूरी खबर और आखिर हुआ क्या ऐसा, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर बीती रात शिव ठाकरे प्रियंका चाहर चौधरी के बीच में नॉमिनेशंस को लेकर बड़ी लड़ाई देखने को मिली, जहाँ पे प्रियंका कह रही थी कि मैं अकेली आई हूँ, अकेली ही लड़ती हूँ, तुम सब लोग हमेशा मेरे खिलाफ होते हो लेकिन मैं अकेली होती हूँ। तो वहीं शिव ठाकरे जबरदस्ती उन्हें सिद्धार्थ से जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि तू सिद्धार्थ की तरह क्यों बोलती है, बिग बॉस के सिद्धार्थ की तरह मत बोल। अब ऐसे में प्रियंका लगातार ये कह रही थी कि तू उसका नाम मत ले, उसका नाम मत ले। कहीं ना कहीं ये बात प्रियंका की फैंस को ठीक लगी कि प्रियंका ने सिद्धार्थ शुक्ला को इज्जत दी, जो इंसान हमारे बीच आज नहीं रहा, जो कि एक लेजेंड माना जाता है बिग बॉस की हिस्ट्री का, उसका नाम इस तरह से बीच में घसीटना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन वहीं शिव ठाकरे को लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े के बीच में आखिर क्यों इतने बड़े लेजेंड प्लेयर का नाम लिया जा रहा है, सिद्धार्थ का नाम लेने की जरूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के वर्ड्स को कॉपी करने पर प्रियंका को भी गालियां पड़ रही हैं। वेल, आप क्या कहेंगे, कौन सही कौन गलत, हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।